प्रदेश के सरकार ने कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान यह घोषणा की थी कि राज्य में आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपये और राशन किट दिए जाएंगे, परंतु बड़े अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बिसवा ब्लॉक के गुरेरा गांव में राम रतन सहित 80 प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपये राशन किट ना मिलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं गुरेरा गांव से दिल्ली को मजदूरी करने गया था। सेक्टर 12 द्वारिका में मैं मजदूरी करता था। फिर वहाँ कोरोना बीमारी की वजह से 2.5-3 महीने लगभग काम बंद रहा। किसी मुसीबत से मैं अपने घर वापस आया हूँ और मुझे 21 दिन घर पर क्वारंटीन में रखा गया। सरकार ने चेकिंग किया, फिर उसके बाद मुझको कुछ सरकार से सहायता नहीं मिली। जो सरकार सहायता देती है, राशन रुपया सरकार देती है, वो मुझको नहीं मिला। सरकार से मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि भाई मुझको भी सरकार मदद करे, जो कि गरीबी में मुझको कुछ सहायता मिल सके, मैं बहुत परेशानी में हूँ। हमारी समस्या है, हम काम करने गए थे, वहाँ कोरोना बीमारी चलने लगी, तो अब हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो वहाँ से हम लोग निकल आए तो यहाँ जांच वाँच करवाया, तो 21 दिन अपने घर पर बंद रहें, और तो हमका बहुत दिक्कतें परेशानी हो लगी, ना एक पैसा, ना गल्ला, ना कुछ, अब बड़ी समस्या हो गई। अब हम ना सरकार ना सुन रही है, हम बहुत मजदूर गरीब आदमी हैं, ना गल्ला मिला, ना कुछ मिला। तो आपको और क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानियां ना पैसा है, ना खाना है, ना कुछ है, और ये कोरोना की वजह से ना कोई गांव घर में काम नहीं लग रहा, क्या खा सकते हैं। तो आपको जो सरकार सुविधा दिया था वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं? और सरकार जो हमको सुविधा दे दे, यही गल्ला, पानी, पैसा, तो हमारा परिवार कुछ राहत मिल जाएगा। इस वीडियो के बनाने के बाद हमने समुदाय में स्क्रीनिंग और मीटिंग का आयोजन किया। इस समस्या के समाधान के लिए SDM बिछवा को फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन गरीब लोगों को राशन किट और 1000 रुपये जल्द से जल्द मिल सके। मैं रीना, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट से।